हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्लीव्स डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने यहाँ पर 4 लेयर में रखा हुआ है। यहाँ से हम फैब्रिक की क्लोज वाली साइड से विड्थ मार्क कर रहे हैं। तो चेस्ट है हमारी 36 इंच की, तो उसका 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच मार्क कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें चुन्नट देना है स्लीव्स में। वैसे हम स्लीव्स की विड्थ 9 इंच ही लेते हैं, जो कि हमारे चेस्ट का 4th पार्ट है, और मैंने यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा के ली है। और लेंथ यहाँ पर मैंने 9 इंच ले ली है, जो कि सिलकर 8 इंच आएगी। और इसके बाद हमें यहाँ से गुलाई देना है, तो मैं जो लेंथ है हमारी उसमें से 4 इंच कम कर दे रही हूँ, और यहाँ पर 5 इंच की मार्किंग कर रही हूँ, और इस तरह से गुलाई दे देना है। अब इसके बाद स्लीव्स को कट कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पर इस तरह के स्क्वायर पीसेस लिए हैं। अब यहाँ पर हम स्लीव्स को फोल्ड करके सेंटर मार्किंग कर ले रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पर ये जो हमारे स्क्वायर पीसेस है, इनसे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए फैब्रिक को हमें इस तरह से फोल्ड करना है ट्रायंगल शेप में। तो यहाँ पर हमें एक पीस लेना है एक कलर का, और फिर उसके बाद उसके ऊपर दूसरे कलर का रखेंगे। इसी तरह से हम एक के बाद एक दोनों कलर की डिज़ाइन को जमा कर रख लेंगे, और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। अब देखिए, यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद जो स्लीव्स में हमने सेंटर मार्किंग की है उसके पास रखेंगे हम, और दोनों साइड से हमें इस तरह से चुन्नट देना है। जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है फैब्रिक, उसको फोल्ड कर देना है वहाँ पर सेंटर में, और इस तरह से स्टिचिंग कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर जो नीचे का फैब्रिक है इसको हम स्टिच कर देंगे, तो जो हमारी अंदर वाली डिज़ाइन है वो साथ में अटैच हो जाएगी ऊपर तक। इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन हो गई है। अब इसमें सामने की तरफ हमें एक पट्टी लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर लाइनिंग की पट्टी ले ली है, इसको सीधा अटैच कर लेंगे स्लीव्स की नीचे वाली साइड में, और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, और यहाँ से सीधी स्टिचिंग कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर इतनी सुंदर स्लीव्स डिज़ाइन हमारी आसानी से तैयार हो गई है। अब हमने यहाँ पर जो डिज़ाइन को स्टिचिंग करके जोड़ा था उसकी स्टिचिंग निकाल देंगे, और सेंटर में बटन लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स भी हमने तैयार कर ली है, और इसको हमें ब्लाउज में अटैच करना है। तो ये ब्लाउज का आगे और पीछे वाला पार्ट है। इन दोनों की स्टिचिंग के वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर हम शोल्डर से अटैच कर ले रहे हैं आगे और पीछे वाले पार्ट को, और इसके बाद यहाँ पर आर्म होल से हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो पहले स्लीव्स पे हमें सेंटर मार्किंग करना है, और आर्म होल की गोलाई से पीछे की तरफ हम ज्वाइन कर रहे हैं पहले, और फिर आगे की तरफ करेंगे। तो जो हमारी चुन्नट थी उसको हमें ऊपर की तरफ भी ऐसे ही बना लेना है, हाफ इंच की चुन्नट देना है। नीचे की तरफ हमने ज़्यादा चुन्नट दी थी, ऊपर की तरफ हमें हाफ इंच की ही चुन्नट दबाना है। और इसी तरह से दूसरी स्लीव्स भी ज्वाइन कर लेंगे, और फिर हमें ब्लाउज की फिटिंग करना है। यहाँ आगे और पीछे दोनों ही साइड डिज़ाइन है, तो हमें इसमें साइड हुक का ब्लाउज बनाना है। तो पहले हम यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग कर ले रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मार्किंग कर लीजिएगा फिटिंग की। तो देखिए, यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग हो गई है, और जो ब्लाउज का हमारा राइट साइड होगा उसमें हमें स्लीव्स से लेकर चेस्ट से थोड़ा नीचे तक के स्टिचिंग करना है, और इसके बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ हुक के लिए फोल्ड करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसी को फोल्ड करके हम हुक की पट्टी बना लेंगे। तो देखिए, जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है ऐसे ही फोल्ड करना है आपको।
जहाँ तक हमारी फिटिंग की मार्किंग है उतना फैब्रिक फोल्ड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर एक साइड का फैब्रिक मैं पूरा फोल्ड कर रही हूँ और पहली साइड जो थी हमारी वहाँ पर हमने मार्किंग से थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड किया है। तो इस तरह से ये एक के ऊपर एक आता है और दूसरी साइड हमें नॉर्मल फिटिंग कर लेना है। तो इस तरह से देखिए ये साइड में हुक की पट्टी तैयार हो गई है। इसमें एक साइड हुक लग जाएंगे और जो ऊपर वाला साइड है उसमें हुक लगेंगे, नीचे वाले साइड में आई बन जाएगी। और इस तरह से ये ब्लाउज डिज़ाइन भी तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, आपको ये स्लीव्स डिज़ाइन, बैक डिज़ाइन और फ्रंट डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।